इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम देख रहे हैं 8 और 9 मार्च से आज तकरीबन 18-19 दिन हो गए कोरोना वायरस जैसी एक बीमारी जिससे पूरा देश आज हिला हुआ है और देश के पंत प्रधान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये सभी बार बार कोरोना वायरस जैसी बीमारी को नियंत्रण में रखने के लिए इस बीमारी का फैलाव न बढ़े इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे इस शहर में एक समाधान कारक स्थिति है और किसी भी प्रकार से कोरोना वायरस जैसा एक बीमारी का न कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है, न किसी प्रकार की कैजुअल्टी है। और आज ये बीमारी शहर के हद तक कंट्रोल में है। लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू डिक्लेयर हो गया, कुछ लोग इमरजेंसी काम के लिए जरूर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम घर में हैं, सुरक्षित हैं। और जनता ने भी बहुत कोऑपरेट किया। यदि जनता कोऑपरेट नहीं करती तो दृश्य कुछ बदला हुआ दिखता। और मैं जरूर कहूंगा कि कॉरपोरेशन ने एक अच्छे इंतजाम जिसको बोलते हैं किए इस बीमारी को नियंत्रण में लाने के लिए। एक जो फवारनी हम कर रहे हैं फायर ब्रिगेड के हमारे गाड़ियों के माध्यम से 10,000 लीटर पानी में 250 किलो हम ब्लीचिंग पाउडर जो डाल रहे हैं, 33% क्लोरीन है, WHO की इसको मान्यता है, किसी भी प्रकार का सेहत को नुकसान नहीं है। रोज हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, फायर ऑफिसर हो गए, हमारे घन कचरा के प्रमुख हो गए, हमारे MH हो गए, हम सभी लोग इस फवारनी महाराष्ट्र में पहली बार इस शहर में शुरू हुई। कोरोना वायरस के लिए सभी तरह के प्रयास करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, जिनकी एक ऊंची सोच है, जिसके माध्यम से उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, आज अनाज कुछ लोग ऐसे जो बेचारे खरीद नहीं सकते, जो रोज कमाएंगे तो खाएंगे, ऐसी स्थिति है, मार्केट खुले हैं लेकिन डालने के लिए पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया इनको वेतन दिया जाए, क्योंकि कुछ कुछ वर्कर्स ऐसे जो काम करेंगे तो शाम में पैसा मिलेगा, वो भूखे ना रहे। शहर का हर एक बच्चा, हर एक इंसान भूखा न रहे इस सिचुएशन में कर्फ्यू के माध्यम से जो परिस्थिति निर्माण हुई है। कमिश्नर साहब ने कहा कि मेयर साहब आप थोड़ा सा उसमें उड़ाकार लीजिए और नगर सेवकों का मानधन, अधिकारियों को एक दिन की तनख्वाह, और कमिश्नर साहब खुद और उनके मिसेस SP मैडम इनकी एक महीने की तनख्वाह लगभग 1.5 लाख रुपए देने के लिए वो राजी हुए हैं, जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। शहर के जो आज कई लोग ऐसे हैं कि जो भूखे भूखा न सोए, ऊपर वाला भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है, ये जिम्मेदारी हमने स्वीकारी है माननीय आयुक्त महोदय अस्ति कुमार पांडे साहब के इस अच्छे सुझाव से। जल्दी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और महानगर पालिका के माध्यम से ये सुविधा वार्ड अधिकारी के माध्यम से लिस्ट आइडेंटिफाई होंगी और जिन ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आज अनाज नहीं मिल रहा, जो भूखे उनको हम ये देंगे, अनाज देंगे, फूड पैकेट हम देंगे। कलेक्टर साहब से मैंने विनती की है कि कुछ ट्रक्स जो अनाज के बाहर से आते, बाहर डिस्ट्रिक्ट से, बाहर स्टेट से आते, उनको अलाउ कीजिए। जो भाजी तरकारी, जो किराना माल, आज ऐसी स्थिति है कि सब लोगों को ऐसा लगा कि 21 दिन का बंद है, आज खरीद लो, दुकानों में शॉर्टेज है, लेकिन जिला प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये जिम्मेदारी ली है, शहर में सभी तरीके से अनाज आएगा, भाजी तरकारी आएगी,
जो कुछ भी जनता को लगता है वो पूरा मिलेगा, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और जरूर ये हम इस पर कामयाब हो गए। नागरिकों से फिर विनती करूंगा, बहुत ही ज़रूरी है तो घर के बाहर निकलिए, नहीं तो जैसा कल मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, शत्रु हमारे घर में घुस जाएगा, हम बाहर निकलेंगे, शत्रु कोरोना जैसा शत्रु हमारे घर में आएगा। इसलिए भविष्य में यदि कोई इस बीमारी का फैलाव होता है तो हम पूरी तरह से कोरोना जैसे का एक युद्ध जिसको बोलते हैं कि युद्ध हम जीतेंगे, कोरोना को हम हराएंगे, कोरोना गो बैक। निश्चित ही कोरोना जैसे एक भयानक बीमारी से लड़ाई लड़नी है तो हमको सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा, जिसमें मेरी शहर की जनता का कोऑपरेशन बहुत अहमियत रखता है, इम्पोर्टेंट है। महानगर पालिका के माध्यम से म्युनिसिपल कमिश्नर के रिकमेंडेशन से हमारे हेल्थ ऑफिसर ने एक प्रपोजल तैयार किया है जिसको कलेक्टर साहब ने मान्यता दी है। एक 5% नावीन्यपूर्ण में से जो शासकीय निधि होता है उसमें से एक एम्बुलेंस की हम मांग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने एक और जानकारी दी, जैसे पहले हमें 2.5 करोड़ मिले हैं, आज 2 करोड़ रुपए हमको शहर की आरोग्य व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से हमें सपोर्ट कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय, पंत प्रधान महोदय, हमारे डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर, कलेक्टर साहब, खुद हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे सभी अफसरान एक अच्छी तरीके से एक अच्छा प्रस्ताव भी बना रहे हैं और वो उसे मान्यता भी दे रहे हैं। आज वेंटिलेटर लिया जा रहा है, मॉनिटर हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कुछ भी दवाइयां ले रहे हैं, मास्क ले रहे हैं, सैनिटाइजर ले रहे हैं, कुछ फर्नीचर ले रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट एक अच्छे अस्पताल के लिए लगते हैं, चाहे फर्नीचर हो, हम खरीदे की प्रक्रिया शुरू की है और अवेलेबल एजेंसी के माध्यम से लेने की सूचना हमने MH मैडम के माध्यम से की है। एक MGM में है, सिर्फ हम कोऑर्डिनेशन का काम किए, उससे मालूम लेना सिटी में, इसलिए गवर्नमेंट को सिर्फ हमने बताया है। इसकी ज्यादा जिम्मेदारी सिर्फ हम इसमें पोस्टमैन जैसा काम किए, उस पेशेंट के बारे में जो भी जानकारी है वो MGM के पास सीमित है, MGM से हमने मंगाई भी है, उसके एग्जैक्ट जो रिपोर्ट्स है उसका कलेक्शन हमारे डॉक्टर शिंदे मैडम यहाँ कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी जब तक हमें प्राप्त होती नहीं, जब तक इस सारी की डेथ के बारे में बताना उचित नहीं होगा। जैसी उसकी मालूमत होंगी हम आपको प्रेस के माध्यम से बताएंगे, लेकिन नागरिकों ने इस बीमारी से डरने की कोई बात नहीं, ये रूटीन में जैसे अभी कोरोना चल रहा है इसलिए उसके तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे पेशेंट तो अस्पताल में एडमिट रहते ही है।